अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मजे से अपने जो है खाने पीने एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपी का सेकंड डे का जो नाश्ता है वो स्टार्ट हो गया है डाइट वाला, तो चलो बता दो इन्हें। क्यों, कुछ भी नहीं, इसमें मैंने क्या लिया, सलाद का जो पत्ता होता है वो, या लेटेस आपके पास है आप वो ले सकते हैं। साथ में मैंने ब्राउन ब्रेड के दो स्लाइस लिए हैं, ठीक है। कल मैंने ऑमलेट खाया था तो आज मैं इन वेजिटेबल्स के साथ एग को रखूंगी, तो वो आप लोग देखना मैं क्या करती हूँ। आप चेंज कर करके खाएंगे ना तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अब देखो ये इतना डिफरेंट है, कल वाला और था आज वाला और है, तो आप लोगों को मजा कैसे नहीं आएगा। ढेर सारी सब्जियां उठाए, उठा के इसमें रख ले बस। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, पिंक सॉल्ट, और साथ में मैंने इसमें डालना है ये ब्लैक पेपर, ठीक है। और अगर आप लोगों को ज्यादा मतलब शौक है खाने का, मुझे तो जैसा कि बहुत केचप पसंद है, तो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर लूंगी, ठीक है, ये ऐड करके बस। पर जो स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं ना वो केचप भी बिल्कुल स्किप कर देते हैं, तो आप भी स्किप कर लेना। फिलहाल मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरी कमजोरी है, तो इस वजह से। चले जी, आज का ये मेरा हो गया है नाश्ता, मजे मजे का, देखने में इतना मजे का, खाने में कितना होगा। आप ही का नाश्ता बन गया और मैं अपना नाश्ता बना के फिर हम नाश्ता करेंगे। ओके चलें जी, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ क्लब सैंडविच की तरह इसमें अंडा और खीरा लगा लिया है, और यहाँ पे एक तरफ चाय बन रही है। चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। आज आई हैं बड़ी बाजी और उनके लिए खाना बन रहा है। ये क्या है, चिकन स्टीम? नहीं, लेग स्टीम। वही लेग भी चिकन के ही है। ये अचार गोश्त, अचार गोश्त बन रहा है। तो अचार गोश्त की रेसिपी नहीं बतानी थी? नहीं, मैंने नहीं बतानी। ये लोग हम हमें कहते ही नहीं है, अगर बताओ तो हम लोग क्यों बताएं फिर इनको। ऐसे नहीं कहते, कैसे नहीं कहते। अब लाजमी कमेंट करेंगे सब, फिर उनको रेसिपी बता देना, ठीक। और तीसरी चीज क्या है? वो बिरयानी बन रही है, अभी बननी है। बिरयानी के पुलाव? नहीं, बिरयानी। अच्छा, और साथ में बिरयानी बनाएंगे। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखें, लोगरे भी बर्तन धोती है। हाँ तो क्या, लोगरे बर्तन नहीं धोती? धोती है, मैं वही तो दिखा रही हूँ। खाना बन गया, मैंने सलाद तैयार कर लिया है। ये आपी ने अपनी प्लेट बना के रखी हुई है कि जब सब खाना खाएंगे तो साथ में वो भी खाएंगी, देखते हैं कि वो क्या खाती हैं। यहाँ पर ये चार चिकन है, ये भी तैयार हो गया है, और साथ में एक तरफ भाभी ने दम लगाया हुआ है बिरयानी को। जब रेडी हो जाती है ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मेरा दोपहर का मील है, तो मैंने जो स्नैक टाइम में एक एप्पल छोटा सा खा लिया था, तो ये आज मेहमान आए थे तो घर में जो कुछ बना था उसमें, तो फिर मैंने अपने लिए ये एक ट्रे बना ली है, तो ये मैं खाऊंगी, ये मेरा लंच है। बिरयानी के साथ हमने रायता नहीं बनाया था, तो बाहर से दही भल्ले मंगवा लिए थे, तो आपने ये भी ले लिए हैं क्योंकि रोटी नहीं ना खानी, तो ये सारी प्लेट इसी तरह। मेरे लिए ये काफी है, बहुत ज्यादा है। हाँ, स्टीम भी रेडी हो गया और साथ में ये भाभी ने इसका दम भी उठा लिया है, दम पुट लिया है, क्या कहते हैं, दम पुट लिया। हाँ, तो ये बिरयानी बनाई है, पुलाव, पुलाव बिरयानी मिक्स। तो अब ये दस्तरखान पे लगाते हैं और फिर साथ में एंजॉय करते हैं। चलो लड़की हो, आ जाओ, चलो चलो जल्दी ले जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत भूख लगी है, पहले इतना टाइम हो गया। हाँ जी, कौन है? वाटर वाला है, तो बेटा लो जाके वाटर, खाली कहने सारी उसको दे दो, ये लो ये भी दे दो, और तीन दे के तीन ही ले लो। जाओ जाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। घर में एक बच्चा लाजमी ऐसा होता है कि जिसने काम कोई नहीं करना होता सबसे पहले दस्तरखान पे बैठा होता है। हाँ जी, अच्छा चलो चलो ले जाओ। चलो जी, यहाँ पर खाना लग गया है, अब सारे खाना खाएंगे जी। अब हाँ जी, नहीं नहीं, मैं सारा दिखाऊंगी, सारा दिखाऊंगी। देखो ये इज्जत है मेरी, कैमरा बंद कर। चले सब खाना खा ले, और मेरी क्यों खींची जा रही हूं, क्या है? चलो जाओ, जान छोड़ो, खाना खा के मिलते हैं। ये लो, बोले क्या हो, ला मुझे दो। बंद करना इसको, अब्बू कह रहे हैं फिल्म भी नाल नाल बनाई जाती है। अच्छा, तो सबने खाना खा लिया था, तो ये देखें जरा सारा किचन कितना मैसी हो गया, सारा मैंने साफ करना है, मैंने सारे बर्तन धोने हैं। क्या 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 पट्टियां फड़ा रही हो तुम कहाँ से आ गई हो? ये क्या तुम कह रही हो, और तुमने किया है क्या है? ये जो भी लोग, सारे लोग देख रहे हैं, ये मैंने ही बनाया है इतनी मेहनत से। हाँ जी जी,
गंद डाल के तुम लोग ये क्या हांडियां दो पका ली चावल बना ली गंद डाल के बाहर निकल गई हो। अब ये सारा गंद मैं साफ करूंगी ये सारे बर्तन। तुम लोगों से हमदर्दियां ले रही हो। तुम जल जाओ पहले। छोटे वाला टोकरा उठा लूंगी और बड़ा यहाँ पर रख के सारे बर्तन धो के सारा कुछ क्लियर करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारा मैंने साफ कर लिया है। खाना शाना खा लिया और मीठे में हमने कुछ नहीं बनाया था तो इसलिए फिर हमने बाहर से आइसक्रीम मंगवा ली है, कुल्फा और मैंगो मिक्स। बहुत बुरा हाल है, मेल्ट हो रही है इतनी जल्दी जल्दी, गर्मी तो इतनी है। हाँ इसीलिए जल्दी जल्दी करो। छोटी हाँ इधर ही हूँ। आ गई सबको पूरी? आ गई। ये दो एक तुमने लग भाभी दे। मैंने तो नहीं खानी क्योंकि यू नो चेक कर लो थोड़ी सी। नो डाइट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतनी डाइट तो डी रेंदी ने मैं नहीं खानी। ले लो ये भाभी है। हाँ तो ये आप लोग ले लो, मैंने नहीं लेनी। एक मेरे की पढ़। अच्छा जी जाने लगे हो? नहीं आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐसा पति उनका सबूत भी तो देना है हमने। हाँ व्लॉग देखना अच्छा डालूंगी आज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप भी लोग चले गए थे तो लाइट चली गई तो हमने कहा चलो ऊपर चले जाते हैं, तो मगरिब हो रही थी ऊपर आकर मैंने नमाज पढ़ी। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, सनसेट हो रहा है या हो गया है, लेकिन यहाँ पे सन तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो ये वाली जगह है ना यहाँ पर होता है तो इतना प्यारा लगता है ना यहाँ से। मैं अक्सर यहाँ से पिक्चर्स लेती हूँ आके स्पेशल। ये बालकनी है हमारे रूम की। यहाँ पर आपी का हो गया है डिनर का टाइम। ये तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो नहीं हमारा हो गया, हमने दोपहर वाला खाना खाना है जो बनाया था इतना सारा। मैं तो वैसे ही बड़ा खाने खाती। अच्छा सब्जियाँ बहुत खा ली थी तो मैंने कहा चलो ये चलो खा लेती हूँ थोड़े से। फ्रूट तो कोई निकल ही नहीं। अच्छा ये दिखा दो जरा। ये ग्रोसरी में शेयर किया था आपके साथ, ये केलॉग्स है और रेड फ्रूट्स हैं मतलब स्ट्रॉबेरीज हैं, इसमें बेरीज हैं और मेड विद होल व्हीट एंड रियल स्ट्रॉबेरीज। मतलब ये इधर लिखा हुआ है पावरिंग योर मॉर्निंग्स, मतलब ये नाश्ते में भी बेस्ट है, नाश्ते में भी खा सकते हैं दूध में डाल के। तो मैं इसमें ना ठंडे सूप में भी खा सकते हैं, नीम गर्म दूध में भी। तो मुझे ना ये जो गर्म दूध में अच्छा लगता है, नीम गर्म में, तो मैं इसमें ये डालती हूँ। मेरे ख्याल से ठंडे में ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। नहीं मुझे ठंडे में नहीं, उसमें अच्छा लगता है। तो अगर आप इसमें चीनी खाना चाहते हैं तो ब्राउन शुगर यूज़ कर लें, नहीं तो आप शक्कर ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। पे मैं अपना जो लास्ट है रात वाला मील वो खाने लगी हूँ अब। और आप लोग देखो, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे रोटियां नहीं सूखी हुई तोड़ के डाली होती है। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी बहुत है ये। मैंने खाई तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं ये तो गंदी क्यों रख रही हो ये देखो। अच्छा इसके बाद फिर मैं ग्रीन टी ले लूंगी तो उसके बाद सब कुछ लोक हो जाएगा। फिर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी रात तक, बस पानी पीना है। तो उसके बाद मैंने करनी है 30-40 मिनट वॉक करनी है। तो आज का मेरा जो सेकंड डे है वो कंप्लीट होता है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, मेरी रूटीन अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और नई रूटीन के साथ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपने जाके मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें, छोटा सा ब्लॉग है। ठीक है कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।